कर रहे हैं अलवर का। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, यह बात भौकाल 2 वेब सीरीज में हीरो पिंटू टेढ़ा ने कही। पिंटू टेढ़ा ने इस भौकाल सीरीज में विलेन के रूप में नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। डीडीकर फोर्ट में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वेब सीरीज इतनी सक्सेसफुल रही है कि 13 दिनों में ही 500 बिलियन व्यूज उस पर मिले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस वेब सीरीज में काम करते हुए उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी कोरोना की वजह से शूटिंग रुक गई, तो इस शूटिंग के दौरान उनके चाचा और 2 चाचियों का भी स्वर्गवास हो गया, लेकिन इन परिस्थितियों में भी उन्होंने वेब सीरीज में काम किया। आने वाली वेब सीरीज में भी वह मुख्य रूप में नजर आएंगे, जिसमें वह पिज़्ज़ा बॉय का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार अच्छाई की जीत होती है, और वह सब कुछ भौकाल 2 वेब सीरीज में दर्शकों को दिखाया गया है। फिल्म भौकाल के लिए यार डायलॉग आपने ही कह दिया सबकी जुबान पे, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं पूरी जनता का, सब लोगों का जिनकी जुबान पे ये है, और जितने डायलॉग हैं सब लोगों की जुबान पे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इस फिल्म में किस तरीके का किरदार निभाया है आपने, क्या उसमें विशेष रहा है? इस फिल्म में मैंने जो किरदार निभाया है तो वो लोगों के सामने है, जो नकारात्मक भूमिका मैंने निभाई है, पिंटू डेढ़ा का किरदार मैंने किया है, और मेरे छोटे भाई का जो किरदार निभाया वो चिंटू डेढ़ा सिद्धांत कपूर जी ने निभाया है। सो ये अच्छाई और बुराई की कहानी है, तो अच्छाई वाला पार्ट जो है वो मोहित रैना साहब ने निभाया है, और बुराई वाला पार्ट जो है वो मेरे किससे आया कहने के लिए कि एक जो मैसेज मैं देना चाहता था कि हमेशा अच्छाई की जीत ही बुराई पे होती है, तो वो लोगों तक पहुंचा। और इसमें नया क्या है इस बार, पहले भी आपने इस तरह की सीरीज निकाली? नहीं, पहले तो इस तरह की सीरीज नहीं करी। इसमें नया ये है कि जो कि फिल्म में ही एक वेब सीरीज में एक लाइन है कि मैं हीरो नहीं बनना चाहता, मैं लोगों का हीरो बदलने आया हूँ, और किसी का भी हीरो गुंडा नहीं हो सकता, हीरो ही हीरो होना चाहिए लोगों। नकारात्मक सीन में कितनी मुसीबतें आती हैं लोगों का, जो है जो किरदार एक विलेन का जो होता है नेगेटिव वे में चला जाता है, तो क्या उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, किरदार तो यार बड़ी एनर्जी लगती है नकारात्मक किरदार को करने में, और किरदार के ऊपर है कि क्योंकि जैसे मैं खासकर पिंटू डेढ़ा की बात करूं अगर, तो उसमें इतने कलर हैं कि वो रोमांटिक भी है, वो ख़तरनाक भी है, सेम टाइम पे शॉर्ट टेम्पर्ड है, अपने भाई की केयरिंग करता है बहुत ज़्यादा, और परिवार का वर्चस्व पूरे मुजफ्फरनगर जिले में फैलाना चाहता है, तो इतने सारे कलर एक किरदार में आपको एक साथ लेके चलना, ये मुश्किलात मेरे साथ थी। और सबसे बड़ी जो मुश्किलात थी कि 20 किलो वजन बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहलवान दिखना है आपको, और जो मेरे भाई हैं छोटे उनसे आपको बड़ा भाई दिखना है, तो मूछें बढ़ाई, थोड़ा वाइट छोड़ा, और अखाड़ा ज्वाइन किया, जिसमें 3 से 4 महीने मुझे अखाड़ा ज्वाइन करके मेहनत करनी पड़ी, तो उन सब चीज़ों के लिए मतलब जो प्रोडक्शन से बात हुई थी वो था कि 1 साल का है, बट ये पेंडेमिक के कारण, कोरोना के कारण चला, लॉकडाउन लगा, उसके बाद फिर चालू हुआ, फिर लॉकडाउन लगा, मेरे घर से मेरी फैमिली से मैंने अपने खास चाचा को खो दिया, खास 2 चाचियों को खो दिया, और सेम 3 दिन बाद आपको जाके शूट करना है लोकेशन पे, तो आपको खौफ पैदा करना है और आप खुद डरे हुए हो। अब इसके